बताया था अभी, जो भी हुआ सही हुआ समर्थ के साथ। अगर मैं होता, मेरे सामने कोई बंदा ऐसे प्रवोक कर रहा होता तो 10 सेकंड में 10 रट्टे मारता मैं। बढ़िया वाले सलमान सर ने भी एक्शन लिया है, जैसे उन्होंने कहा है अभिषेक भले ही गलत है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एसपी लेवल पे जाकर उनको प्रवोक किया, जिस तरीके से मेंटल हेल्थ का इशू निकला, जो शब्द था उसके अंदर वो भारी वाला शब्द था, वो था मोबाइल आया था ये भी को किसी को परेशान करना, उसकी हेल्थ को लेकर बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं था, बहुत गलत था। और तहलका भाई होता तो आपको पता है क्या होता, तगड़ा तहलका। और इसमें एक चीज ये है कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है जो गलत तरीके से प्रोवोक कर रही है, जब उनको पता है कि क्या है, एक लिमिट तक सही है, तो उस पे आपका क्या है? ईशा ने अपनी, मैं एक ही बात बोलूंगा, जो एक अच्छा नाम चल रहा था अंदर, शो में अच्छा खेल रही थी, अच्छे तरीके से गेम में आगे बढ़ रही थी, ये सब करके मैंने कमेंट पढ़े, बहुत भारी भरकम कमेंट आ रखे हैं, जो उसकी एक लगी लगा लो यहाँ पे उसका बैटर चल रहा था ना, तो यहाँ पर आ गया हूँ भारत देश के अंदर। अभी बिग बॉस के अंदर आपको शब्दों को संभाल के बोलना पड़ता है, भारत का नंबर वन शो है, उसमें अगर शब्दों को आप उछाल के मार दोगे और सोचोगे नहीं तुम क्या बोल रहे हो, तो सीधा यहाँ से यहाँ पर आ जाओ। दो बात तो ये, समर्थ का लेवल चल रहा था, एक बंदा मजाक कर रहा है, सबको हंसा रहा है भारत के अंदर, लेकिन अचानक से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर आ गया। समर्थ छोटा भाई है लेकिन वो समझ नहीं पाया कि चीजों को कैसे यूज करना है, कौन सा वर्ड कहाँ बोलना है, किसी की हेल्थ को लेकर उतना तगड़ा बोलना, इतना गंदा बोलना, वो भारी बड़ी बात है। जैसे हम देखते हैं अंकिता जी काफी गलत सही दोनों की सपोर्ट कर रही है, बट उनसे उनको जब ऑपर्चुनिटी दिया गया तो उन्होंने अभिषेक को कहा, ये तो सिंपल सी बात है मैडम, ये गेम है, अंकिता को पता था भाई ये कुछ भी जाए, पहले मैं बंदी कर देता हूँ, अंकिता उसको निकालती, उसको निकालना बंदा भी था, सो बात की एक बात, अंकिता दिमाग से खेल रही थी कि भाई मेरे को टक्कर दे सकता है अभिषेक का, सबको पता ही है तगड़ा खिलाड़ी है भाई, टक्कर देगा अंकिता को, अंकिता घबरा गई और ये वाला मैटर कर दिया अंकिता। देखो ये मैटर नहीं है जो दुनिया बोल रही है, एक तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सारे तगड़ा खेल रहे हैं, 28 तारीख को फिनाले है, एक तगड़ा नाम सामने आने वाला है, और जरूरी नहीं मैडम, देखो अभिषेक और अंकिता में से और मनोवर भाई में से कोई एक हो सकता है, तो बात नहीं है। तहलका भाई जो अभी अरुण भाई की थोड़ा इमोशनल चल रहे हैं मेरे को लेकर, वो बहुत बार रोए भी हैं अरुण भाई, और ये तो एक जाहिर सी बात है मैडम, मेरे से बहुत प्यार करता है वो, मेरे को लेके बहुत मेरे को लग रहा है कि मेरे जाने के बाद बहुत वो डाउन पड़ जाएगा, वही हुआ कि मेरे को देखकर बहुत इमोशनल हो चुका है वो, अभी 4 दिन पहले भी बहुत ज़्यादा फील ले रहा था मेरे को लेकर, तहलका भाई को याद आ रही थी, 10 दिन पहले भी रो पड़ा वो मेरे को लेकर, तो एक ही बात बोलूँगा अरुण भाई आई लव यू सो मच, मेरा भाई तहलका भाई। मैडम मैं नहीं बोलूंगा कि कोई प्लानिंग है, ये गेम है, फिनाले नजदीक है, घर के अंदर आप समझते हो बहुत बंदे बैठे हैं अंदर अभी, ये तो है नहीं फिनाले में 12 के 12 बंदे चले जाएंगे, जाने आखिरी में पता 5 ही है, तो जो भी चल रहा है गेम के हिसाब से चल रहा है ना, तगड़ी गेम चल रही है, और आपको पता ही बिग बॉस भारत का नंबर वन शो है, तगड़ा तहलका मचा हुआ है, तो बात की है। लेकिन यूके ने जो है बिग बॉस को एक्सपोज किया है कि बोला मेरे साथ गलत हुआ है, बिग बॉस ने गलत किया है, क्योंकि 07 के साथ जो भी कुछ हुआ वो अपनी बातें रख रहा है, और मैंने तो उसको कई बार समझाया बिग बॉस के अंदर कि भाई तेरे को उठाया जा रहा है और तू उस चीज़ को नेगेटिव मत ले, उसको जो बातें फील हो रही है वो अपनी बातों को आगे रख रहा है, और रही बात एक्सपोज की, एक्सपोज वाली मैंने वीडियो देखी नहीं 07 की, जो उसको फील हो रहा है अपनी बातें आगे रख रहा है, लेकिन मैंने और घर के सदस्य सबने उसको समझाया था कि भाई तेरे को सलमान सर कुछ भी करवाते हैं, डांस करवाते हैं, वो तेरे उठाने के लिए बिग बॉस सर को जज बना रहे हैं उठाने के लिए, तो वो बात अलग है कि उसको कुछ बातें फील हुई कि भाई ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया, तो मेरी दिल की बात रख रहा है। थैंक यू भाई, तहलका बताते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, अरुण भाई आई लव यू सो मच।